अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ दुबई और वहाँ जाके आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो गाड़ी आ चुकी है और मैं जस्ट गाड़ी में बैठने लगी हूँ। ये देखें, यहाँ पे प्राइवेट टैक्सियों में आप लोग जाते हैं और प्राइवेट टैक्सियाँ आपको लेके जाती हैं पूरे यूएई में, कहीं भी जाना चाहें। तो ये देखें आगे ये गाड़ी चैलेंज। ये अब हम टैक्सी में बैठ गए हैं और हम निकल रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से दुबई की तरफ। और ये रास्ते में जो आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये सब गाड़ियां मेरी नहीं हैं बिल्कुल भी, ये सब गाड़ियां शोरूम्स वालों की हैं। ठीक है, यहाँ पे जिधर मैं रहती हूँ यहाँ पे शोरूम्स हैं काफ़ी सारे, तो पूरा एक वो बाज़ार बना हुआ है गाड़ियाँ की, वो मार्केट है, तो उनकी ये गाड़ियाँ हैं। आप लोग कहीं ये मत समझ लेना कि यूट्यूब से पैसा कमा कमा के मैंने ये गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं। आई एम नॉट टू मच अमीर, अभी तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, कोई बात नहीं, खैर है, जितने थे उतने ही सब्सक्राइबर हैं, चलो कोई बात नहीं, खैर है, कज्जियाँ रहन दो बस। ते ये हम जा रहे थे और ये अभी हम निकले हैं फुजेरा से दुबई रोड की तरफ और वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और जब हम दुबई जाते हैं तो सुपर ब्यूटीफुल व्यू आपको नज़र आते हैं, सुपर ब्यूटीफुल जो है बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। तो ये रास्ते में पहाड़ आते हैं फुजेरा के, तो मैं पहाड़ देख देख के ना तंग आ चुकी हूँ। आपको पता है मैंने ज़िंदगी में पहली बार पहाड़ फुजेरा में देखे हैं, पाकिस्तान में नहीं देखे। और ये देखें, प्लेन जा रहा था तो मैंने कहा इसको मैं कैप्चर करती हूँ, तो प्लेन ही निकम्मा मैंने नज़र ही नहीं आया। चलें अभी हम ये पहुंच गए हैं दुबई, पहुंच गए हैं और अभी ये है DXB इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1। यहाँ पे हमें गाड़ी छोड़ देगी क्योंकि इससे आगे ये सेंटर पॉइंट का जो मेट्रो स्टेशन है ना, यहाँ से हम पूरे यूएई में जिधर भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये यूएई के हर प्लेस के हर मेट्रो स्टेशन पे ये हमें मेट्रो लेके जाती है, ये है रेड लाइन। तो हम उतर गए हैं, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या होता है। ये फ्लावर चेक करें, वाओ ब्यूटीफुल। हम उतर आए हैं दुबई में, आई एम इन दुबई नाउ, अभी मैं दुबई पहुंच गई हूँ, अभी मुझे जाना है कहाँ। और ये है दुबई, ये बिहाइंड में दुबई का एयरपोर्ट है DXB। मैं जा रही हूँ, अभी मुझे जाना है थोड़ा ये मेट्रो में, वहाँ से फिर आगे देखें। सेंटर पॉइंट दुबई का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन है, अगर आप फुजेरा की तरफ से आते हैं तो ये है सेंटर पॉइंट। और इसका जो लास्ट है चलें जी, अब हम जा रहे हैं स्टेशन के अंदर और ये है सेंटर पॉइंट मेट्रो स्टेशन। इधर से हमें जाना है आगे। ये सीढ़ियाँ बाज़ औक़ात आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं, तो भी केयरफुल जाना पड़ता है यहाँ से। और
और यहाँ से मैं अपना फेवरेट व्यू बनाने वाली हूँ जो कि है ये रुक जाओ प्लीज़ वाला। यहीं पे मैंने आज डेरा लगा लेने जब तक मेरी अच्छी अच्छी वीडियो ना बनी। किधर गया रुक जाओ मैं खड़ा। चलें जी अब हम ना टूटने वाली ज़मीन पर टूट रहे हैं और अब हम जा रहे हैं मेट्रो के अंदर। इंटर होने वाले हैं, इंटर होके तो फिर करेंगे वगैरह पंचिंग करेंगे कार्ड वगैरह और रिचार्ज करवाना है कार्ड में, क्योंकि बहुत टाइम से दुबई में मैंने जो है एंट्री नहीं की और बहुत सारा जो मेरा है वो बाकी है। अभी हम कर रहे हैं अपने कार्ड को रिचार्ज। इस तरह से दुबई में कार्ड रिचार्ज किए जाते हैं, यहाँ पे आप रख के चेक कर सकते हैं और उसमें इनवोक भी कर सकते हैं। ये देखें रिचार्ज हो गया, वो बोल रहे हैं वन आइस डे, और अपना कार्ड यहाँ से उठाना ना भूलिएगा। चलें यहाँ पे मैं थोड़ा फ्रेश हो रही हूँ तो पसीना वगैरह तो नहीं है क्योंकि मौसम ठीक है, और बाकी ये कि यहाँ से कुछ टॉवल्स ले लेती हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी रखना, तो आप यहाँ से यूज़ करने के लिए रख सकते हैं अपने बैग में क्योंकि हम इनको टैक्स पे करते हैं इन चीज़ों का, तो ये यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है तो अभी मैं आपको मिलती हूँ किसी अच्छे से पॉइंट पे। चलें जी अब हम जा रहे हैं इस जो है दुबई के लास्ट स्टेशन की तरफ। लास्ट से थोड़ा सा हमने आगे आना है और ये बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के पास धुआं है इस वक्त, ये देखें यहाँ से काफी अच्छा नजर आ रहा है ना व्यू इसका एयरपोर्ट का। तो देखें ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग आने का ख्वाब लेके आते हैं अपनी कंट्री से, और जब यहाँ पे हमें एक दो साल गुजर जाते हैं तो फिर हम हसरत भरी निगाहों से इस एयरपोर्ट को देखते हैं कि किस दिन हम वापस जाएंगे। तो ले जी मैं यहाँ पे ट्रेन में बैठी हूँ। सोचा कि आप नाज़रीन सोचते होंगे कि ताहिरा पाकिस्तानी तो उसकी नज़र ही नहीं आ रही, तो चलें मुझे भी थोड़ा दिखा दिया जाए। तो मैंने अपने कैमरा मैन से बोला कि चलें मुझे भी थोड़ा आप अपना वीडियो में ले आए। ये देखें पीछे गाड़ी जा रही थी ट्रेन, गाड़ी हम पाकिस्तानी बोलते हैं जी। ये है ट्रेन दुबई की और ये देखें अभी टर्मिनल वो आ गया, क्योंकि जो इसके जो है ना टर्मिनल तीन है और ये कोई अलग अलग जगह पे नहीं है, एक ही एयरपोर्ट है, उसके तीन उन्होंने पार्ट्स किए हैं टर्मिनल वन टू और थ्री। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू आपको नज़र आ रहा है अगर आप यहाँ रियल में होते ना, क्योंकि थोड़ी मट्टी थी मिरर पे लग रहा है हनेरी हनूरी आई हूँ तो उसकी वजह से मट्टी थी, वरना आपको और क्लियर नज़र आता ये, क्योंकि मेरा मोबाइल तो अच्छा है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जो है इसका जो मिरर है ना वो थोड़ा ये है जताव। और ये देखें फिश वाली और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, हद से ज़्यादा खूबसूरत है। ये व्यू बहुत प्यारा है और ये देखें आप यहाँ पे आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स और इतनी लग्जरी और खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई हम ड्रीम देखते हैं, लेकिन ये कोई ड्रीम नहीं होता, हमारी ड्रीम ड्रीम सिटी दुबई है। तो ये देखिए अभी आ गया है दुबई म्यूजियम, तो आप ज़रा इसका भी नज़ारा कर लें। मेट्रो से जितना ये खूबसूरत नज़र आता है ना, इतना खूबसूरत आपको अंदर जाने में या बाहर से व्यू लेने में ये बिल्कुल आपको वो नहीं नज़र आता जितना
अट्रैक्टिव ये मेट्रो से आता है। और आपको पता है ये गलती से मैं इस मेट्रो में बैठ गई थी, ये मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने इस मेट्रो में गलती से इसलिए बैठी थी। अभी जैसे कि डेवलप हो रहा है दुबई, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, आगे आगे तरक्की करता जा रहा है, तो ये जो है उन्होंने मेट्रो की भी टू लाइंस बना दी हैं, एक्सपो की तरफ जाती हैं, एक यूएई एक्सचेंज की तरफ जाती है और एक एक्सपो 2020 की तरफ जाती है। तो जिस प्लेस पे मैंने जाना था वो था यूएई एक्सचेंज, मैं बैठ गई मैं 2020 की तरफ जो कि हमें दूसरी तरफ लेके जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा रॉन्ग हो गई, लेकिन मुझे इसका ये फायदा हुआ कि मुझे इतना प्यारा व्यू देखने के लिए मिला। चलें जी, अभी यहाँ पे ब्यूटीफुल व्यू नजर आ रहा होगा आपको, इमारत बिल्डिंग के बिहाइंड पे बुर्ज खलीफा का, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत शानदार। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और मॉल वाले थे, मैं सीट मेट्रो पे खड़ी बैठी हुई हूँ और मैंने सीट इधर से यहाँ उतरना, जो अपने ना वो बुक कर रही, बुक मीन्स कर दिया था। अगर मैं सीट जाती ना तो मुझे जो सीट है दोबारा नहीं मिली, और मैंने लास्ट स्टेशन पे जाना था और वो बहुत हो जाना था मेरा 45 की मिनट की वो जो है ना ट्रैवलिंग है मेट्रो पे। المحطة الأخيرة لهذا القطار هي الإمارات العربية المتحدة للصرافة، المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The final destination of this train is UAE Exchange. The next station is Business Bay. Business Bay आ गया। यहाँ पे मेरी जॉब हुआ करती थी, मैं फेयर था। The next station is Business Bay.
मेट्रो से और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। चले जी, यहाँ पे आकर दो मेरे टिकटॉक के फैन खड़े हो गए थे, तो बेचारे डर रहे थे कि हम मैडम को कैसे बोलेंगे हमारे साथ वीडियो बनवाएं या पिक्चर बनवाएं, तो वो बेचारे सिर्फ डर के मारे खड़े हुए थे। लेकिन फिर मैंने उनको वीडियोस में ले लिया कि चले उनकी मशहूरी हो जाएगी, थोड़ा खुश हो जाएंगे मेरे फैन। तो अब मैं चलती हूँ जिधर मैंने जाना है, और ऊपर आवाज़ आपको आ रही होगी, डिस्टर्ब कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी वो आवाज़। अभी मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट जिधर मुझे खाना खाने के लिए जाना था। सॉरी ब्रदर, आई डिड नॉट रिप्लाई टू यू यस्टरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन इन माय फुट, आई वांट टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप, आई हैव बीन ऑन ड्यूटी फॉर 2 days नाउ, बट देयर इज पेन इन माय फुट एंड देयर इज स्वेलिंग has been reported. Wow! Brother, tell me how are you? Feeling is your health fine now and what is happening? Wow! देखें, लोग जो है ना यहाँ पे आके इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं दुबई में आके, वाह वाह है ना गूगल तुम्हारा निशान तो नहीं है। फ्रीदी, ये मिर्चों का क्या हिसाब है? ये मिर्च स्पाइसी खान वास्ते पानी दे मिर्च, मिर्चा काट के दे दो ते वो स्पाइसी हो जाती है। चले जी, अभी हम आए हैं कैरफोर में, कैरफोर दुबई, और यहाँ पे क्या क्या है वो देखते हैं। बैगेज बैग लगे हैं 209 दरहम का, ऐसा वहाँ पे 45 दरहम का है फुजेरा में मिलता। बाकी ये आग जलाने वाली कोई कोयले वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत शॉर्ट है ये मॉल ना, बहुत ही शॉर्ट है, कुछ भी इतना ख़ास नहीं है यहाँ पे। ये क्यूट सी चेयर पड़ी हुई है बस, और कुछ भी नहीं। इसमें क्या करते हैं, कोई सहरा में आप जाते हैं तो यहाँ कैंडल्स जला के पास में रख सकते हैं बस, और कुछ। चलेंगे, हमें कुछ खास नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे, शॉपिंग के रिलेटेड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये थोड़ा फूड कोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे शॉपिंग तो क्या करनी,
कुछ भी नहीं, खाना हमने खा लिया हुआ है। और ये फ्रूट देखें कितने प्यारे बच्चे हैं। अभी फार्मेसी जाना, मैं तो थक गई हूँ और ये वाले पिलर के ऊपर बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ कुछ लोगों का, वो आते हैं तो मिल के फिर हम कहीं और जाते हैं घूमने के लिए। बंदा थक जाता है अगर दूर से सफ़र करके आए घूमने के लिए दुबई। बाकी सारे जगह ये वाले टोकरों को हाथ लगा सकते हैं, कुछ कहते तो नहीं ना। ये देखिए टोकरे टोकरे बने हुए हैं गोल गोल, जहाँ दिल करते हैं इनका दरख्त लगा कर उनको जैसी मर्जी शेप में तब्दील कर देते हैं, छुरियाँ मार मार के, कैंचियों से काट काट के। ये तो भाई है, यहाँ पर पौधों के भी टोकरे बन जाते हैं। ये देखो पौधों के उन्होंने क्या हाल किया हुआ। चलें जी अब हम यहाँ पे पसंद करने लगे हैं वायलट चैंस, तो मुझे तो ये प्यारा लग रहा है, ये ले लें, ये अच्छा है, मुझे प्यारा लग रहा है, यूनिक सिंपल। नहीं नहीं ये अच्छा है, यूनिक और सिंपल। المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is برج خليفة دبي مول. घूमने के लिए आए तो प्यास बहुत लगती है, पता नहीं क्यों, गर्म जगह है ना इसलिए।
और गर्मी का मौसम भी है ऊपर से। देखें गर्मी से मेरा हो गया है बुरा हाल, और कुछ लोग पीछे स्मोकिंग कर रहे हैं और मैं पानी पी रही हूँ। यहाँ पे खूबसूरत देखें परिंदे, ये देखें घूम रहे हैं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, और ये हवा जो है वो बड़ी मज़े की लग रही है। और ये देखें मेट्रो में जाने के लिए रास्ता, ये उन्होंने मेट्रो में जाने वाला रास्ता बनाया लिफ्ट, और यहाँ पे बिल्लियाँ भी घूम रही हैं, ये देखें पौधे बिल्लियाँ, बड़ी खूबसूरती है यहाँ पे, ब्यूटीफुल एरिया अलगुबैबा मेट्रो स्टेशन। और ये हमें मेरा कितना बुरा हाल हो गया, बहुत ही बुरा हाल हो गया गर्मी की वजह से। और मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा सी शाम हो जाए और फिर मैं घूमने के लिए जाऊँगी, थोड़ा घूमूंगी और थोड़ा इंजॉय करूँगी, फिर उसके बाद देखेंगे बस हमें कहाँ लेके जाएगी, बैक टू होम, घर की तरफ लेके जाएगी वापस। और यहाँ पे सुराख पता नहीं किस चीज़ के हुए हैं, ये सुराख जो हील वाली शूज़ पहन के आती हैं लड़कियाँ, तो उनकी हीलों के सुराख हैं, और हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे ये जो हैं किसी परिंदे ने किए हैं, लेकिन चलें जी चलें जी चलें जी। ये हमने मोबाइल ख़रीदा है कैरीफोर से, और उन्होंने यहाँ पे ये कुर्सियाँ चाय वगैरह रखी हुई है के फीडबैक देने के लिए, तो हम इनको ये फीडबैक देंगे कि असी दुबई आए थे घूमने के लिए और हम ना गलती से मोबाइल पसंद आ गया हमें, एक मोबाइल तो अच्छा था लेकिन उसका जो बिलिंग है ना प्रोसेसर वो इतना लंबा था कि 3 घंटे से हम यहीं पे खड़े हैं। तो चाय अच्छी है लेकिन कड़वी पता नहीं क्यों है, चीनी शायद कॉफ़ी अच्छा चीनी डालना भूल गए हम, मैं पाकिस्तानी और हम चीनी जो है ना बहुत ज़्यादा पीते हैं, और दूध भी नहीं है तो कप इतने छोटे हैं, इतने हमारे जो पैदा होते हैं ना जो न्यू बॉर्न बेबी उनका फीडर भी इससे बड़ा होगा। तो हैव अ नाइस डे, हम ना चाय इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे कैरीफोर में, ये है कैरीफोर। गाइस हम ना फ़ोन ख़रीदने लग गए थे तो हम ना बहुत परेशान हो गए, तो इस वजह से अब हम ना देखें टाइम क्या हो गया, लेट टू मच वी आर, और मेरा मास्क लगाने के लिए भी दिल नहीं कर रहा, मुझे इतनी गर्मी लग रही है। ये है गुबैबा, गुबैबा मेट्रो स्टेशन एंड बस स्टॉप, यहाँ पे इसके बस स्टॉप है, और अभी हम जाते हैं तल्ले के ऊपर बैठ कर खाते हैं गोलगप्पे, राजपूत बस प्लीज़। बहुत अच्छा है, मज़ेदार है, बोतल भी ले आने तुसी, ये तो खाओ ना, है ना सुपर क्लास, ऐदा नहीं है मैनू पसंद है इतों के गोलगप्पे। स्टैंडिंग समोसे खाने के बाद बैठे हैं मुँह सड़ा कर। चलें जी, यहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा है और वो हम देखते हैं क्या चल रहा है, यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है। चलें जी, अभी हम यूनियन मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, पर गाड़ी आ चुकी है, ड्राइवर भी आ चुका है, और अभी हम जस्ट घर जा रहे हैं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आने वो काम हो गया, कि वीडियो शीडियो कहीं कुछ नहीं बना, लेकिन जो है हमने
पैसा खर्च कर दिया लेकिन बना कुछ नहीं, घूमे कहीं पे भी नहीं, मोबाइल के चक्कर में हम ना थोड़ा वो हो गए, मोबाइल के चक्कर में हम थोड़ा जो हैं बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। मोबाइल खरीदना था हमें, अभी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस यूनियन मेट्रो स्टेशन, यूनियन का एरिया सारा, और हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं वापस, ये है यूनियन मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पर बहुत सारे जहाज जा रहे होते हैं वापस। और वो ड्राइवर जो है एक आधा क्लाइंट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है कि मिल जाए और फिर वापस चलें। वो सामने है डे टू डे, और डे टू डे पे शॉपिंग करने का इरादा तो था लेकिन नहीं की, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की। सो आई हैव टू जस्ट गो बैक। ये बस आई है अभी ये थी सलाद की, दुबई बस।